काहे करता तेर बराती
काटे करना दी जाना है तहसी की नगरिया जाना है तहसी की नगरिया कठिन पड़ी है नगरिया हो जाए ना अबेर बराती हो जाए ना अबेर बराती काह करता दी काह करता दी क्या किया बड़ी हिम्मत से करते क्यों ना एक ही तो लड़की है उनके गहना वहना भी अच्छा दिया हाथों में कड़े कंगन चूड़ी बाजूबंद पैरों में पायल झांझे कोड़े अरे मुझे देने देने की कोई परवाह नहीं इसका ओलाहना मैं कभी न देती लड़की पसंद थी वो खाली लड़की साथ कर देते तब भी मुझे मंजूर था लेकिन चाची तुमने भी बड़ा दिल किया क्या दिल किया लड़के की लगन ना करती लगन क्यों ना करती मगर ऐसे कमाई में की बड़े दिल की बात है और फिर जमीन गिरवी रख के वाह 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 ये तुमसे किसने कहा किसके पास जमीन रखी है चाची मुझे क्या मालूम गांव वाले सब यही कहते हैं कि सुखी लाला के पास जमीन रखवाई है सुखी लाला जरा मेरे सामने तो आके कहे मुँह में एक दांत ना रखो जैसे सुंदर चाची के पास तो था ही नहीं भीख मांगती थी जमीन रखाई हाँ सच्ची बात है कई बार रखाई और छुड़ाई भगवान जाने छूटे जाएगा बहू का शगुन अच्छा होगा तो छूट जाएगी बुरा होगा तो गई तो भगवान लाज रखना Thank you.
धीरे धीरे चलो गगरी छलक न जाए, तुम्हारी पतली कमरिया कहीं लचक न जाए। आज तो बड़ी अकेलिए कर रही हो, क्या बात है? मेरे कहाँ दिन अकेलियों के, अभी तो तुम्हारे दिन है। मैं तो सच्ची बात कह रही हूँ, जितना ज्यादा काम काज करोगी और जितना ज्यादा चलो फिरोगी उतना ही अच्छा है। हाँ हाँ सब मालूम, बड़ी पंडित आए, तुम ही सब जानती हो और कोई कुछ नहीं जानता। चलो चलो। ऐसी सुंदर, ऐसी ग्रहण क्यों, और फिर पहले ही साल में जरा क्यों है क्या कुछ शाबाश मेरे शेर की मचाना। अरे यार शाबाश मेरी चाहे, यानी ये तो जमीन की बात है, जितनी अच्छी जमीन होगी उतने जल्दी पेड़ भी उगेगा। हाँ ठीक है, मगर श्यामो अपनी तो जमीन ही ऐसी बंजर है कि पाँच पाँच बरस हो चले हैं, मैं कुछ हरी भरी नजर ही नहीं आती। हाँ यार तुम भी हिम्मत हारने की बातें करते हो, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। ये भी कोई अपने हाथ की बात है? ये मैं कुछ नहीं जानता, लड़की हुई तो बस गला ही घोड़ दूंगा। मेरा की लड़की का? लड़की का अरे राम राम हत्या हो कुछ भी हो, अच्छा जो लड़का हुआ तो क्या दोगे, ये बनवा दोगे? बस लड़का ही होगा, मैं जानती। कैसे? आज सवेरे सवेरे जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकली तो सामने से मरद दी लड़का। ऐसा भी होता है? राधा के यहाँ छह महीने और होना ही चाहिए, मगर तुम्हें लाज नहीं आती? क्यों? अरे पाँच बरस हुआ जाते हैं। अच्छा अच्छा रहने भी दो, कंकर पत्थर भी न हुए। अरे इसमें मेरा क्या दोष, भगवान की मर्जी। हाँ चाहे भगवान की मर्जी समझ लो, और चाहे ये समझ लो कि पिछले जन्म में तुम्हारे 25-30 लड़के हुए थे, इसलिए भगवान ने इस जन्म में तुम्हें एक भी न दिया। वाह ऐसा निराश क्या होना। बीत
खुश रही थी सुख में हमारे माँ के नैना बाल कटारे बीत रही थी सुख में हमारे माँ के नैना बाल कटारे तुम ही न कीनो अफेर मोरे अंगना में तुम ही न कीनो अफेर मोरे अंगना में मोरे धूम मची है उड़े हवा में लाल हवा में लाल मर्म
देखो मिर्च ज्यादा डालना, नहीं तो कल की तरह मेरा शामू भूखा रह जाएगा। बहुत मिर्ची होगी तो लड़के कैसे खाएंगे? अरे वो तो दूध खिचड़ी भी खा लेंगे, लड़कों की बड़ी चिंता पड़ी है।
अरे बहू जरा चटनी भी पीस लेना। सुंदर चाची, ए सुंदर चाची, आओ क्या घर में? आओ आओ सुखी लाला, आओ बैठो बैठ। क्या बैठने चाची, छह बरस हो गए, असल की बात तो रही दूर, ब्याज भी एक पैसा नहीं मिला, इस फागुन में पूरे छह हो जाएंगे, समझी? अरे तो लाला दम क्यों निकला जाता है, खुद सुंदर चाची मर नहीं जाती है, और मरूंगी भी तो तुम्हारा एक एक ढेला देकर मरूंगी, शर्म नहीं आती, वाह जब देखो खड़े हैं, जब कह दिया दो चार महीने कम खाओ। कम खाते खाते तो छह बरस बीत गए, दूसरा होता तब तक डिग्री करा के बैल बढ़िया घर खेत सब सुरख करा देता, ये तो हम ऐसे मानस नहीं है, अपने मन में भगवान ने दया दी है तो चुपके बैठे हैं, और इस पर तुम गम खाने की बात कर रहे। तुमने बड़ी मेहरबानी की लाला। क्या मेहरबानी की, जरा चाची की बातें सुनो, हमारा ही खाए हम ही पास के निकाले। देखो लाला गुस्से गर्मी से काम नहीं चलेगा, रुपए लेना है तो धीरज से बात करो। चाची मैं तो गुस्से गर्मी से बात नहीं कर रहा था, तुम ही गरजने लगी एकदम। अरे क्या गरजने लगी, दो दो चार चार करके ना मालूम कितने दे चुके, मगर तुम तो ऐसे मांगते हो जैसे कभी कुछ दिया ही नहीं। ऐसी क्या बात है, जो कुछ दिया होगा कौड़ी कौड़ी खाते में लिखा होगा। अरे खाता तो ठहरा तुम्हारा, मन ने जो आया लिख लिया, या पढ़ने कौन बैठेगा, ऐसा ही है तो हम जो कुछ हमें दे दिया। ऐसे ही हम दो दो चार चार रुपए की रसीद देने लगे तो कर चुके काम, हमारे यहाँ तो छुट्टे की रसीद होती है, जब कुल रकम दे दोगी कुर्सी काट दी जाएगी। हाँ लाला जो मन में आए करो। चाची मैं तो कहता हूँ इसमें थोड़ी सी भूल तुम्हारी भी, छह बरस हो गए तो हाँ, अब अगर फसल पर थोड़ा थोड़ा अनाज ही दे देती बात को इतना बोझ क्यों होता। लाला कैसी बातें करते हो, लाले पड़े हैं पेट भरने को, अनाज तुम्हें दे देती तो बच्चों को क्या खिलाती। देखो चल लेन देन ठहरा अपना काम, अब अगर भोला घास से आसनाई करे आए क्या, और चाची अगर तुम देने वाली होती तो हजार रुपए से दे सकती, कुछ नहीं था तो अपनी बहू को ही मेरे धनु बर्तन करने को। क्या कहा लाला होश पे हो, चाची तुम बस चुप रहो, तुम्हारे ना जोरू ना जाता माँ ना बहन नाटे निगोड़े आदमी मेरी बहू तुम्हारे घर धनु बर्तन करने जाए, किसी कोरी कमारी से बातें कर रही हो। लाला आज जब हम गरीब हो गए तो क्या हमारी इज्जत आबरू भी जाती रही, गाँव वाले पास पड़ोसी बिरादरी वाले क्या कहेंगे, नाक रहेगी या जाएगी। अच्छी बात है, जिस दिन कुर्सी आएगी उस दिन देखेंगे नाक रहती है कि जाती, सब कुछ बिक जाए मगर हम अपनी इज्जत नहीं देख सकते। जब भूखों मरने लगोगी तब देखेंगे कि इज्जत हमारे घर बिकने आती है कि नहीं। चाचा जो कुछ करना है कर लो, ज्यादा से ज्यादा यही ना कि बैल बढ़िया खुलवा ले जाओगे, घर खेत से पाल लोगे, अरे हाथ पाँव चलता है तो भगवान और दे देगा। भैया बंसी हम तो फर पाए, ब्याह किया था इसलिए कि घर बसेगा नाम चलेगा, अरे तो क्या बुरा किया ब्याह किया तो, भगवान ने तुझे ऐसी सुंदर गृहस्थ स्त्री दी है कि आसपास के 10-20 गांव में मशाल लेकर ढूंढे तो न मिलेगी, और भगवान की कृपा से दो बच्चे हैं और तीसरे की उम्मीद है, अरे हमको कहो ना आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखते हैं कुछ नजर नहीं आता, घर सुनता है मालूम होता है, सच कहते हो बंसी, मगर बाल बच्चे तभी अच्छे मालूम होते हैं जब खाने को रोटी तन को कपड़ा, गरीबी है कि आंखें फाड़ फाड़ हर रोज बढ़ती चली आ रही है, और बच्चे है कि आमों की फसल की तरह एक एक चले आ रहे हैं, मेरा बस चले तो एक एक का गला खोल दूं,
पहले भूल लगे तो आया। माँ जी तुम भी खा लो। आओ दादी। अच्छा ला ला। बहू, अरे बहू, थोड़ा सा पानी तो पिला दो, आज बड़ी खांसी आ रही है। आएगी क्यों नहीं, वो कितने दिन की होंगी। अरे भगवान, जमीन छूट जाती मेरी जिंदगी में। जवानी तेरी, बच्चे होते ना तब तक दस हो चुके होते थे।
जीतने पर भी बेशर्म जिंदगी साथ नहीं छोड़ती। मैं तो अब परेशान हो गया। काहे से परेशान हो गया? बड़े परेशान होने वाला। घर में आज बालक हुआ है, खबरदार जो ऐसी बुरी बुरी बातें मुंह से निकाली। क्या बालक हुआ है माँ?
अपना पेट भरने का तो सहारा नहीं, इस बालक सेना को कहाँ से खिलाऊंगा। फिर वही बात है, बालक कुल के दीपक और भगवान के दिए हुए रतन होते हैं, इन्हीं से तो हमारा नाम चलेगा। नाम तो तब चलेगा जब इनको पाल पोस कर बड़ा कर सकेंगे। क्यों नहीं बेटा, लड़के तो अपनी किस्मत की रोजी साथ ही लेकर आते हैं। देखना ये बालक ऐसा भगवान होगा कि हमारे दरिद्र सारे धुल जाएंगे। हाँ माँ, चंदू की तस्वीर सपनी यही कहती थी, लेकिन अब तक वही फाका मस्ती चली आ रही है। इस तरह अपने मन को कहाँ तक धोखा देते रहेंगे माँ। क्या है, क्या उसमें लाल लगे या मैं तमाशा हूँ। बाबा बाबा बाबा, जोएगा तो टांगे नोच के फेंक दूंगा। इन कमबख्तों का भगवान के यहाँ भी ठिकाना नहीं। बाबा निकलने चलो, क्या कर तू करते हो। बाबा गुस्सा करता। जाओ तुम दादी के पास खेलो। सवेरे से तुमने कुछ नहीं खाया, तो खा लो। तुम्हें हो क्या गया है। जाओ, तुम सब मेरी जान के साहब, या मैं मरता हूँ ना तुमको मौत आती। तुम अपने को क्यों कोसते हो, मैं ही मरती हूँ तो सब पाप कट गए। जवानों की हमारी क्या, तो तुम कौन सी गुड़िया हो गई हो। गुड़िया से भी बदतर, होली दिवाली जो कुछ करना नैयर में कर। और अब क्या हुआ। अब न पैसा न कौड़ी न दिल में उमंग, जब खाने को होता है तो सब कुछ अच्छा लगता, फिर उनकी ये हालत देखकर और भी दुख होता। जब वो दुखी है तो मैं कैसे खुश हूँ। माजी माजी,
कपड़े तो बदल लो, चलो तुमने कपड़े पहनने को कह दे, मिठाई देने को कह दी और पैसे देने को कह दे। नहीं भरा तो कल भर जाएगा, तुम्हारे पिताजी ला देंगे। पिताजी लाएंगे, पिताजी लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? आखिर खेत में भी तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं ज्यादा रास्ता नहीं देखने का, बस दो एक दिन में जमीन लिखा लेता हूँ। लाला, बेचारे के बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाबा, जब तक औरत जवान है बच्चे नहीं मरे। भगवान के आश्रय पर शादी कर ली, मरे मरत अब कमाते प्राण निकलते। बाबा, बाबा। चुप रह, बाबा का बच्चा। ऐसा क्या करते हो? भूखा है। भूखा तो मैं क्या करूं? मर जाए। तुम्हें ऐसा न कहना चाहिए, भगवान को बुरा मालूम होगा। बुरा मालूम होगा तो उसी से कहो। तुम इतनी निराश क्यों होते हो? इतने दिन से हाथ लगाई तो क्या मिल गया, मर जाने तो भूखे। कैसे मर जाने दू? भगवान के दिए हुए वही पेट भरे, मुझसे क्यों मांगते हैं? दीपताओं से हार कर पाप की बातें करने लगे। छोकरा, बड़ी पाप वाली आई। तुम तो जानते ही हो लाला, इस साल फसल तो बिल्कुल पकी ही नहीं। ये असल फसल मैं एक नहीं जानता। सीधे से जमीन मेरे नाम लिख दो, नहीं दावा कर दूंगा तो मैं हर्जे खर्चे के देना पड़ेगा। जमीन के साथ घर वास्ता नीलाम पे चढ़ा दूंगा, लाऊंगा। लाला, कुछ मेरे बच्चों का भी तो ख्याल करो। बहुत ख्याल किया बच्चों का।
तुम्हें हो क्या गया? चोर होने को आई, न खुद सोती हो न मुझे सोने देती हो। कमला तुलसी की माँ। अरे अभी से नाम तो रख लिया, तो क्या नाम की होगी? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मन कहता है और गंगा माई खुद देवी है, वो लड़का काहे को देने लगी, लड़की ही देगी। अरे लड़की ही सही, कुछ दे भी। मेरे और राधा के यहाँ थोड़े ही दिन काल बन रहे ना। तो क्या होने वाला है? आजकल शामो बेचारा बहुत परेशान है। और मेरी राधा बेचारी भी तो बहुत दुखी है, मैंने उसे कई दिनों से नस्ते ही नहीं देखा। जब तक कुमारी थी बहुत सुखी थी। तो इसमें दोष किसका है? किसी का नहीं, कर्मों का। संसार में यही तो होता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई दुखियारी दुख से मारे रात रात के सोती नहीं, कोई मेरे जैसी सुधारी चंद्रमा के उजाले में अपने पतिदेव के चरणों में सर रखकर पूजा किया करती है। इस जीवन का क्या थी? बन बेटा कब आएंगे? दो तीन दिन में आ जाएंगे। माँ जी तुम भूखी रहती हो, फिर तुम्हें नहीं ले गए? दादी को न जाने क्या हो गया, तो गलती नहीं दादी
मैं बोलती नहीं, नहीं दिखाओ। दादी दादी तू नहीं बोलती। दादी क्या माँ से कहेंगे? मामा दादी बोलती नहीं। माजी माजी दादी सो गए, बिल्कुल सो गए। अच्छा अच्छा तुम यहाँ ठहरो। तो बची है तुम्हारे पास, ब्राह्मण खिलाने के लिए इन्हें भी बेच दूंगी। बिना खिलाए कैसे उधार होगा काका? फिर माँ जी के लिए अब यही सब तो कर सकते हो। हमको रोटी देते, इनको लड्डू देते, हम भी लड्डू खाएंगे। हम भी लड्डू खाएंगे। हाँ हाँ तुम्हें भी। अरे क्या है, जाओ बाहर खेलो। कमला मासी छोटा भैया आया। कमला मासी छोटा भैया आया? अभी नहीं आया, जाओ बाहर जाओ, उधर से आए। माँ माँ हमको अंदर लाने दो। कमला आने दे। ये सब मैं कुछ नहीं जानता, रोज आजकल आजकल हो रहा। बाबा मौत और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल को मैं मर जाऊं या इन्हीं को कुछ। बस बस रहने दो लाला, वो बेचारे क्यों मरे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम मर जाओ ना, तुम मर जाओ तो आधा गांव जिंदा हो जाएगा। ऐसे किसी के घोसले से कोई मर जाया करे, तब तक मैं कोई 40-50 दफे मर चुका होता। तुम मत डरो लाला, तुम तो सारे गाँव को मार के मरोगे। बातें बड़ी बड़ी करती है, कहो ना अपने घर वाले से दे मेरी रकम। मुझसे क्या कहते हैं, उनसे कहो। अरे उनसे तो कहूंगा ही, इन बातों को छोड़ो, उनसे कहो कि मेरी रकम मेरे हाथ धर दे, दुनिया भर के झगड़ों से क्या मतलब। लाला क्या धन ज्यादा हो जाने से लोग अंधे भी हो जाते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता उस बेचारे के पास क्या है जो तुम्हारा रुपया दे रहे। जो कुछ उसके पास दो चार चीजें थी वो भी बिक गई, और कुछ छोटे मोटे कर्जों में गई, और कुछ चाची के मरने में लग गया। अब उसके पास क्या है जो तुम्हें दे रहे? क्यों नहीं, जमीन बेच के दे सकती। और बच्चों को क्या खिलाया तुम्हारा कलेजा? बच्चों का मैंने कुछ ठेका नहीं दिया, चाहे मेरा कलेजा खिलाया चाहे अपना सर, ये मैं नहीं जानता। मैं पहले चिता देता हूँ, सामू कागज पर दस्तक कर गया, मैं कोई दिन कुर्सी ले आऊंगा, जमीन घर सब उते पोते बिकवा लूंगा, 50 कमाल 5 में जाए तभी तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। लाला मैं ये कहती हूँ, कितना सारा धन क्या अपनी छाती पे बांध के ले जाओगे? अरे काहे को ऐसा जन्म करते हो लाला। यही तो मैं भी सोचता कमला रानी, बुरा न मानो तो एक बार देखो, नामू तो शर्मदार आदमी, वो कहीं नदी नारे जाए। सुंदर चाची बची थी वो भी सड़क को गई, अब रही ये अकेली। मन क्या है मेरा, सब धन दौलत लेके बैठी। लाला आपकी बची
आजा मेरे घर से। भगवान ने तुझे इसलिए धन दिया कि तू दूसरे की बहू बेटी चाहता थी। अच्छा नहीं तो तू अपनी माँ बहन पर भी बुरी नजर डालेगा वरना। राधा घबराओ नहीं, कल ये बड़े हो जाएंगे। पर बड़ी दया की, उनकी शक्ति दो कि मैं इन छोटे छोटे बच्चों को इस काबिल कर दूं कि इज्जत से अपना पेट भरूं और मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। क्या बोल सकता, तुम ब्राह्मण हो, इतनी मोटी सी बात नहीं समझ में आती।
अगर भगवान की इच्छा है कि भूखों मरो तो अवश्य मर जाना चाहिए, यही अपना धर्म है। लेकिन लाला, बस में किसी को मदद करना, उनको खाना खिलाना भी तो धर्म है। हमारा धर्म नहीं है, धर्म हो ही नहीं सकता। अगर भगवान की इच्छा है कि तुम भूखो मरो और मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, इसके बाद पाप और क्या हो सकता है? लाला, तुम्हें पापी समझ को कुछ दे दो, बच्चे भूखो मरे जाते हैं। लाला, तुम्हारे मन से दया धन बिल्कुल जाता रहा, ये धन क्या तुम छाती पर रख कर ले जाओगे? कान की वजह से आज सारा संसार भूखा मर रहा है। कैसी तकलीफ है? माँ, माँ, नहीं, जिस तरफ भी आंख उठाकर देखो, कोसों तक जमीन बिखरी हुई पड़ी है, पेड़ धूप में झुलस गए हैं, पापों के मारे सूखे सहमे जानवर हरेरी ढूंढते हुए मारे मारे फिरते हैं, लेकिन सिवा सूखी मट्टी और पत्थर के टुकड़ों के उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लोगों की हत्या हो रही है, हजारों आदमी भूखे मर गए। अरे अगर तुम्हारे आंखें हैं तो देखो, सामने हड्डियों के सूखे हुए ढांचे पड़े हैं, जिनको कुत्ते चिचोड़ते हैं लेकिन बेरस पाकर मुंह फेर लेते हैं, केसर को भी नोचते हैं लेकिन सूखी लकड़ी की तरह उनमें कोई मजा नहीं पाते। खाना तो खाना, पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है, तालाब सूख गए हैं, नदी नालों में जल नहीं रहा, कुओं पर धूल उठती है। ये सब बातें देखकर आदमी तो क्या पत्थर भी पसी जाए, मगर तुम होके सजाने पर सांप की तरह बैठे हुए फुंकारे मार रहे हो। अगर इन आदमियों पर नहीं तो इन गऊओं पर दया करो, ये वही गऊ हैं जिन्हें भगवान खुद चराते थे, यही हमारा धन है, यही हमारी संपत्ति है। अगर ये न होंगी तो बैल कैसे होंगे, वो बैल न होंगे तो हम कैसे खेती करेंगे? जाओ बाबा, जाने खाओ अपना रास्ता, मनुष्य के आगे हाथ फैलाते शर्म नहीं आती? इतना बड़ा मंदिर नहीं दिखाई देता है जहाँ संसार भर के पालने वाले भगवान बैठे? इनके पास तो नहीं जाते, मेरे पास क्या धरा? जाओ भैया, कहाँ गया? दादी के पास। मैं भी जाऊंगा। नहीं, नहीं भगवान, नहीं। भगवान, ये जीवन तूने ही दिया है और तू ही इसे ले लेगा, लेकिन भूख को मार के जीवन लेना ये तुझे शोभा नहीं देता। भगवान, हम पापी, हमें समय दे, हम अपने पापों का थोड़ा बहुत सुधार करके अगले जन्म के लिए तैयार हो जाएं। राधा रानी, हे राधा रानी, रुपए की फिक्र है? आजकल तो सीधा बहाना है, कैसे काल पड़ गया? मगर तुझी लाला को काल से क्या काम, यहाँ तो भगवान की दया से सब आनंद। तो मुर्दा दे रही हो? अरे इसके हाथ गले में कुछ सोना डाल के दो तो मैं ले भी लूं। ऐसे भूखे मुर्दे तो गांव में बहुत, अभी समय नहीं गया। फिर कहता हूँ, मेरे घर काल नहीं आया, चलिए आओ, काहे को बच्चों की हत्या लेती, अभी दो है उन्हीं को बचा। हे भगवान, क्या फिर कभी पानी ना बचेगा? अभी अभी गाय भी मर गई। गाय भी मर गई? इतने दिन तक दरख्तों की जड़ें खोद खोद कर खिलाते रहे, लेकिन फिर उसकी जान न बचा सके, आखिर बेचारी मर ही गई। अभी समय नहीं गया, फिर कहता हूँ, मेरे घर काल नहीं आया, चलिए आओ,
काहे को बच्चों की हत्या लेती है? दो है उन्हीं को बचा लो। मेघनाथ कृपा से तेरी
खेतों में फिर आए हरेरी मेघनाथ कृपा से तेरी, खेतों में फिर आए हरेरी, खेतों में फिर आए हरेरी, मन्नत ये मनमानी दे, खेतों में फिर आए हरेरी, मन्नत ये मनमानी दे, पानी दे पानी दे, मन्नत ये मनमानी दे, सगरी सुखी बैल पियासा काले में के पानी दे, सगरी सुखी बैल पियासा हजारे जल को मंगे जम 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 मान हजारे जल को मंगे जम 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 पानी भरते, जम 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 पानी भरते, बागों को जवानी दे, जम 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 पानी भरते, फिर बागों को जवानी दे, पानी दे पानी दे, फिर बागों को जवानी दे, गगरी सूखी बैल पियासा काले में के पानी दे, गगरी सूखी बैल पियासा। देखो कितने तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, बस भाग गए, पहले अपने आप को बाहर समझते, आना आना बेटा। अबे मैंने तुझे हजार मरतबा मना किया कि चूहा न खेला कर, न खेला कर, मगर तेरे कान से जूं तक नहीं रही थी, बदमाश कहीं का, मारते मारते दूसरे की हड्डियां पसली सब बराबर कर दूंगा, शर्म नहीं आती चमार पासी के छोकरों के साथ खेलते हुए, खूब श्यामू भैया का नाम रोशन कर रहे हो। काका तुम्हारी कसम मैं खेल ढूंढ रहा था, ये खेल नहीं रहा था तो क्या मेरा सर कर रहा था, बदमाश। काका तुम्हारी कसम, भगवान की कसम, मैं खेल नहीं रहा था, बल्कि मैं उन लड़कों को बता रहा था कि कैसे फैला चला है गुरु बन के, देख सीधा घर जाइए नहीं तो मारते मारते सवेरा कर दूंगा, क्या कहीं का। अरे काका बाजार जा रहे हो तो गेहूं और ज्वार का भाव लेते आना ना। तो सही। अरे राम राम राम, क्या छूट रहा है। बोल बोल तू बोल दे बन के पंजी बोल, बोल बोल तू बोल रे बन के पंजी बोल, तेरे मीठे गीत सुहाने चार प्यारे तेरे गाने, तेरे मीठे गीत सुहाने चार प्यारे तेरे गाने, कानों में रस घोर पंछी, कानों में रस घोर, कानों में रस घोर पंछी, कानों में रस घोर, मन के पंछी बोल, बोल बोल तू बोल रे मन के पंछी बोल, बन का पंछी तेरा पुजारी, बन का पंछी बन बनवारी, बन का पंछी तेरा पुजारी, सजनी मुख तो खोल, सजनी मुख तो खोल, सजनी मुख तो खोल, सजनी मुख तो खोल,
वन के पंडी बोल बोल तू बोल रे वन के पंडी बोल दान के बोले वन के पंडी तन में गावे वन के पंडी दान के बोले वन के पंडी तन में गावे वन के पंडी की है दावा जो ये इतनी देर से सुन गा रहे कि मैं समझता था मेरी जमुना रानी गा रही। अब मेरी जमुना रानी मैं तुझे गले से लगा ली, तेरी आवाज बिल्कुल मेरी जमुना रानी। तेरा नाक, तेरी आंख, तेरे कान, वाह 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 वाह, तेरे दांत। आज से तू मेरी पतिव्रता पत्नी और मैं तेरा पतिव्रता पता है। क्या कहा? बच्ची होगी बगैर कुंडली निकला ब्याह नहीं करूंगी। ए मेरे राम, अब तुम्हारे लिए मैं कौन से पंडित बुला के लाऊं? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? सांप को देख के चैन नहीं पड़ा, कलेजे में भूख सी उठने लगी। मुझे झगड़ों से क्या, मैं तो जमुना रानी और ठोका रानी दोनों की कुंडली निकलवाऊंगा और जिससे मिलेगी उससे ब्याह करूंगा। नहीं जमुना रानी, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तुमने तो हत्या दे दी, हत्या नाश करके रख दिया। ओ ओ जाने तो जाने तो जाने तो मर गई बेचारी, मर गई मर गई मर गई। इतनी जलन, इतना बैर, इतनी जलन, इतना बैर उस बेचारी गरीब ढोका रानी से। चलो जमुना रानी, सच सच कहना, तुम्हें कसम है अपने कुआ सच कि पिछले जन्म में तुम ढोका रानी थी या नहीं? अच्छा बच्चा, नमस्ते सर। जियो बेटा जियो। आओ, थोड़ी देर कर दी। क्या करूं बेटा, रास्ते में काशी बहन मिल गई, उनसे बातें करने लगी। बहू आज पार्वती कैसी है? अब तुम्हारी दया से कुछ आप कॉफी कर। आओ बैठो। बेटा, मनुष्य क्या खा के दया करेगा? दया सब भगवान की, तो वो दवाई लाए। लाता कहाँ, आपका रास्ता देख रहा था। लो, जल्दी से दवाई ले आ, उतनी देर मैं उसके पास बैठती हूँ। नंदी के थैला ने घेर लई हो, नंदी के थैला ने घेर लई, मोरी बीच जगर माला गई हो। नंदी के यहाँ क्या कर रहे हो? क्या गांव भर में और कोई जगह नहीं मिली? जगह तो बहुत है, लेकिन इस वक्त इससे बड़ी है जगह और कोई नहीं। बिजू, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल बैठ कर। मैं शर्म का कन्हैया जी यहाँ बैठे देख रहे हैं और राधा जी वहाँ आ रही है। ऐसा मत कहो, माटी का नाम भी तो राधा है। खबरदार जो ऐसी बात की, जानती हो बहुत बुरा आदमी हूँ। तो क्या करोगे, बुरे आदमी अपने घर खुश हो, यहाँ किसे चलाते हो? अच्छी बात, इस दिन ऐसा मजा दिखाऊंगा कि। अच्छा आप जाओ, मैं बाहर निकल रही हूँ। निकला करो बाहर, मैं तो नहीं जाता। बिल्कुल, तुम क्या करोगी? देखो बिजू, मैं किधर जाकर आधा बाकी सब कह दूंगी। अरे हाँ हाँ, एक दफा नहीं सौ दफा कहो, मैं तो यही बैठूंगा। तो बैठी रहो, अपनी आंखें खोलो, मेरा क्या लोगे? भगवान करे पांव फिसले गगरी टूटे। ये मर्द का पांव नहीं, औरत का पांव है। अरे
आज मैं जो बात तुमसे कहने आई थी वो तो भूल ही गई। क्या बात है? मैं बिरजू की शिकायत करने आई थी। क्या जानते हो कल क्या हुआ? क्या हुआ? सच कहती हूँ, तुम्हारा भाई ना होता तो ऐसी सुनाती के याद करता। क्या किया उसने? देखो कल मैं खेत जा रही थी, वो भी उधर कहीं से आ रहा था, ऐसे करता हुआ जैसे ही मेरे पास आया कहने लगा, भाजी कहाँ चली, जरा जमीन जमीन चला था। मैंने कहा देखो बिरजू होश में रहना। कहने लगा होश में क्या रहूं, क्या कुछ झूठ है? कहूँ कसम से तुम भाजी नहीं हो, इस पर मैं कुछ नहीं बोली। तो तुम कह देती तुम भौजी नहीं हो? जी मैं तो आया कह दूँ तेरी भौजी यहाँ कौन है, लेकिन मुँह से नहीं निकली। फिर मैं चलने लगी। मैंने कहा अच्छा रास्ता छोड़ो। कहने लगा मैं तो नहीं हटता, और लगा गाना गाने। गाना गाने? कौन सा गाना? सुना 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 कौन सा गाना सुना तूने मेरे को? अरे बाबा ध्यान से काम करो, ध्यान से, ये सब खराब हो रहा है, यहाँ ठीक से लगाओ। अरे छोड़ बिरजू, तू मेरे से कहाँ गया था? वहाँ बाजार गया था बड़े जरूरी काम से। थोड़ी काम छोड़। अरे मैं गिर जाऊंगी, कैसे गिरेगी? देख मैं बाजार गया था, बाजार का भाव है, अब ये अनाज दो तीन दिन में तैयार हो जाएगा, इसी के बारे में दो चार से बातचीत बोल रही हूँ। अरे तू सवेरे से अभी तक बात ही कर रहा था, और अभी अभी तेरे बंसी काका कह रहे थे कि तू चमार पासी छोकरों के साथ जुआ खेल रहा था। बंसी काका को कोई काम भी नहीं, जब देखो जब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं सच कहता हूँ माँ, जो मैंने जुए की सूरत भी देखी हुई, तुझे यकीन है माँ मैं जुआ खेलता हूँ? हाँ मैं सच्ची सच्ची बता दूँ कहाँ गया, कहना मत किसी से, नहीं तो सब रंग में भंग हो जाएगा। कहेगा भी नहीं माँ, पहले कसम खाओ। नहीं नहीं किसी से नहीं। देख माँ बात ये है, अपने यहाँ से 2 मील दूर नदी के किनारे एक साधु बाबा आए हैं, जटाधारी, ये बड़े बाल, ये बड़ी आँखें, बड़े पहुँचे हुए माँ, और मैं तो उससे ये कहना भूल ही गया, 15 दिन से देख रहा हूँ एक पाँव पर खड़े, और वो भी जमीन पर नहीं। फिर कितना देखा? इतनी इतनी बड़ी लोहे की कील। फिर मैंने कहा बाबा जी भी कुछ दे डालो, तो कहने लगे फिर कभी आना बट्टा। मैंने कहा बाबा जी, कहने लगे अच्छा देख ऊपर। तब कहता हूँ 12 बजे दिन को इतने इतने बड़े सितारे नजर आने लगे। अरे माँ फिर कहने लगे कि 2-4 दिन में भगवान दिखा दूंगा बच्चा। बस माँ मैं 2-4 दिन में भगवान जी के दर्शन करने वाला हूँ। अरे ओ मंगू दर्शन। अरे बिरजू बिरजू मुझे भी वहाँ ले जा। मुझे भी कर लेते, मुझे कुछ मांगना है। देख माँ रामू भैया से नहीं कहना, नहीं तो मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। देख कितने सुंदर पहला है माँ, सारा गाँव इनकी तारीफ कर रहा है। झूठ माँ, बिल्कुल झूठ। चुप बैठो, चुप बैठ। सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर है ना माँ? वो मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ सुंदर है ना माँ? देख तो माँ कितने सुंदर पहला है। रामू भैया से 85 रुपए तो मांग ले। मैं कैसे माँ, पूरे 200 के लाए। 200 के? थक गया माँ, बिल्कुल थक गया, ये बहस 150 से ज्यादा की नहीं हो सकती। देख माँ बिरजू खाम का मुझसे दबान लड़ा रहा है। दबान लड़ा रहा है क्या? मैं यही बहस 150 के लाके देख रहा हूँ। मुझे चोरी लगा रहा है? मैं चोरी लगा रहा हूँ। तेरा मतलब क्या? मेरा मतलब क्या?
तेरे लाड प्यार ने तो बिल्कुल बहुत खराब। हाँ मुझसे ही तो प्यार करती है, तेरे से नहीं करती। ये तुमने मुझ पर बड़ी दया, मैंने संसार में सब कुछ पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात दिन मेहनत करके एक एक पैसा सबका अदा कर, तेरी कृपा से जमीन खेत गाय बैल सब कुछ मेरे पास, अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस मेरे रामू और बिजू का कहीं अच्छी जगह ब्याह करा दे और उनके दर्शन करा दे। राधा चाची, बहुत दिनों से काशी बाई दिखाई नहीं देती। अरे बेचारी दुनिया के धंधों में फंसी होगी, बस रहने भी दो, उन्हें दुनिया के धंधे भी कौन से हैं, सिवा एक के, जब आएगी अपनी ही लड़की की बात करती हुई आएगी। अरे आओ काशी भाई आओ, बड़ी उम्र होगी तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारी बात चल रही। कहो काशी बहन इतने दिन कहाँ रही, सोमवार की गई आज दिखाई देती हूँ। अरे बहन क्या करूँ, घर में कुआरी लड़की बैठी, कहाँ रोज रोज मारी मारी थी, मेरे पाँव में तो बेड़ी पड़ी है बेड़ी। तो फिर आज किस पर छोड़ के आई हो? किस पर छोड़ के आई? पास से जंजीर लगा कर आई, वो अंदर तोड़ो। सजनी सजनी खोल के वारे, तेरे साजन आए दुबारे, सजनी खोल के वारे, तेरे साजन आए दुबारे। मेरे अखिया मेरे अखिया तेज की माती, कोई काहे मुझको पुकारे, मेरे अखिया तेज की माती, कोई काहे मुझको पुकारे, कोई काहे मुझको पुकारे, तेरे साजन आए दुबारे, नहीं साजन कोई हमारे, साजन आए दुबारे, कोई काहे मुझको पुकारे, कोई काहे मुझको पुकारे। हम रूठ के सजनी जाते, क्या ना किसे डराते। हम विनती करते तेरे, हम विनती करते तेरे, बस आजा पास हमारे, हम विनती करते तेरे, बस आजा पास हमारे। सजनी खोल के वारे, तेरे साजन आए दुबारे, सजनी सजनी। ना, जसना, माशी माशी मेरे घर गई है, पांच बातें कर रही है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, तुम जाओ। क्या तुम्हें नींद आ रही है? हाँ। आज इतने सवेरे ही सो रहा होगी क्या? वो जमना तुमने अंदर से खिड़की क्यों बंद कर दी? रामू तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इस वक्त घर जाओ, मुझे नींद आ रही है। अच्छी बात, मैं चला जाओ। हाँ मगर जरा मंत्र होते हुए जाना। कमला बहन क्या बताऊं, तीन बार उंगली निकलवा चुकी हूँ, किसी तरह भी रामू और तुलसी का मेल नहीं निकलता, तो मैं तुमसे शिकायत थोड़ी भी करती हूँ, नहीं निकलती तो जाने दो, भगवान की मर्जी। कभी कभी तो जी में आता है लाओ राम के नाम पर कर। नहीं नहीं बहन ऐसा ना करना, देखो तुम्हारे सामने ही की बात है, नथू राम ने अपनी लड़की की शादी ऐसे ही की, फिर क्या गत हुई, पूरा एक बरस बिना बीता, न लड़की रही और न लड़का, आप रोते हैं। हाँ बहन मुझे भी शक आता है, अरे नसीब में होगा तो जरूर लड़के मिलेंगे। अरे रामू के साथ नहीं निकलती तो बिरजू के साथ निकलवा कर देखो,
ताकि बहन बूढ़ी हो चुकी मगर समझ ना आई। अरे पहले बड़े की नहीं करेगी तो क्या छोटे की कर देगी। हाँ ये तो ठीक है, मेरी असल भी आजकल ठिकाने नहीं, दिन रात मुझे खुद अपनी जमुना की फिक्र रहती है। हाँ राधा बहन, गंगा बहन की लड़की भी जवान होने को आई, उसके साथ निकलवा के देखो। अरे वाह वाह अच्छी रही, राधा बहन से मैं पहले कह चुकी हूँ तुलसी के। माया भूषण जीवता पहरणं गोवर्धनो धारणं
कंसाचेदन गौरवाद्यनं पुण्यं काहे काहे करता तिर बराती ये बराती काहे करता तिर काहे करता तिर बराती ये बराती काहे करता तिर जान है तहसी की नगरिया जान है तहसी की नगरिया कठिन पड़ी है नगरिया हो जाए न अबेर बराती हो जाए न अबेर बराती काह करता दी काह करता दी काहे करता तीर बराती बराती काह करता दी त्याग किया बड़ी हिम्मत से करते क्यों ना एक ही तो लड़की है उनके गहना वहना भी अच्छा दिया हाथों में कड़े कंगन चूड़ी बाजूबंद पैरों में पायल झांझे कोड़े अरे मुझे देने देने की कोई परवाह नहीं इसका ओलाहना मैं कभी न देती लड़की पसंद थी वो खाली लड़की साथ कर देते तब भी मुझे मंजूर था लेकिन चाची तुमने भी बड़ा दिल किया क्या दिल किया लड़के की लगन ना करती लगन क्यों ना करती मगर ऐसे कमाई में की बड़े दिल की बात है और फिर जमीन गिरवी रख के वाह ये तुमसे किसने कहा किसके पास जमीन रखी है चाची मुझे क्या मालूम गांव वाले सब यही कहते हैं कि सुखी लाला के पास जमीन रखवाई है सुखी लाला मेरे सामने तो आके कहे मुँह में एक दांत ना रखो जैसे सुंदर चाची के पास था ही नहीं भीख मांगती थी जमीन रखाई हाँ सच्ची बात है कई बार रखाई और छुड़ाई भगवान जाने छूटे बहु का शगुन अच्छा होगा तो छूट जाएगी बुरा होगा तो गलत तो बनी भगवान लाज रखना जल की फुहार बड़ी
परी नैनों पे चोट लगी दिल में कटार, परी नैनों पे चोट लगी दिल में कटार, चले खैला सचनवा जसाती उभार, चले खैला सचनवा जसाती उभार, परी नैनों पे चोट लगी दिल में कटार, परी नैनों पे चोट ने इस जन्म में तुम्हें एक भी न दिया। वाह, ऐसा निराश क्या हुआ?
सुंदर वाले हाल लड़का हुआ लड़का हुआ ओ चंदू ओ मोहन ओ टूनी इधर आओ इधर आओ। और हमें पापा हमला पापी ने कहा उसके इस केस की बनी बेशरम देख है जोरों की तरह झांक झांक के देखता है क्या इसका बाप ये जब हुआ था तो ऐसा ही झांक झांक के देखा उड़े हवा में गुलाल वृंदावन में धूम मची है वृंदावन में धूम मची है उड़े हवा में गुलाल लो अपने बच्चों को इतनी उम्र आई
लेकिन ऐसे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। अरे घड़ी भर क्यों बैठना नहीं जानते? हाँ था मेरा शामू भी थी, मगर ऐसा नहीं जैसे तुम्हारे बच्चे। माँ जी मुझसे क्या कहती हो? लगे तुम्हारे कहूँ किससे? हाँ देखा देखा खिचड़ी। देखो मिर्च ज्यादा डालना, नहीं तो कल की तरह मेरा शामू भूखा रह जाएगा। बहुत मिर्ची होगी तो लड़के कैसे खाएंगे? अरे वो तो दूध खिचड़ी भी खा लेंगे, लड़कों की बड़ी चिंता पड़ी है। अरे बहू जरा चटनी भी पीस लेना। हाँ सुंदर चाची, ए सुंदर चाची, आओ क्या घर में? आओ आओ सुखी लाला, आओ बैठो बैठ। क्या बैठने चाची, 6 बरस हो गए, असल की बात तो रही दूर, याद भी एक पैसा नहीं मिला, इस खादों में पूरे 6 हो जाएंगे, समझी? अरे तो लाला दम क्यों निकला जाता है? खुद सुंदर चाची मर नहीं जाती है, और मरूंगी भी तो तुम्हारा एक एक ढेला देकर मरूंगी, शर्म नहीं आती। हाँ जब देखो खड़े हैं, जब कह दिया 2-4 महीने कम खाओ। और कम खाते खाते तो 6 बरस बीत गए, दूसरा होता तब तक डिग्री करा के बैल बढ़िया घर खेत सब सुरु करा देते। ये तो हम ऐसे मानस नहीं है, अपने मन में भगवान ने दया दी है तो चुपके बैठे हैं, और इस पर तुम गम खाने की बात कर। तुमने बड़ी मेहरबानी की लाला। क्या मेहरबानी की, जरा चाची की बातें सुनो, हमारा ही खाए हम ही पास से निकालें। देखो लाला गुस्से गर्मी से काम नहीं चलेगा, रुपए लेना है तो धीरज से बात करो। चाची मैं तो गुस्से गर्मी से बात नहीं कर रहा था, तुम ही गरजने लगी एकदम। अरे क्या गरजने लगी, 2-2, 4-4 करके ना मालूम कितने दे चुके, मगर तुम तो ऐसे मांगते हो जैसे कभी कुछ दिया ही नहीं। ऐसी क्या बात है, जो कुछ दिया होगा कौड़ी कौड़ी खाते में लिखा होगा। अरे खाता तो ठहरा तुम्हारा, मन ने जो आया लिख लिया, यहाँ पढ़ने कौन बैठेगा? ऐसा ही है तो हम जो कुछ थे उससे रसीद हमें दे दिया। ऐसे ही हम 2-2, 4-4 रुपए की रसीद देने लगे तो कर चुके काम। हमारे यहाँ तो खाते की रसीद होती है, जब कुल रकम दे दोगी कुर्सी काट दी जाएगी। हाँ लाला जो मन में आए करो। चाची मैं तो कहता हूँ इसमें थोड़ी सी भूल तुम्हारी भी, 6 बरस हो गए। हाँ अब अगर फसल पर थोड़ा थोड़ा अनाज ही दे देती बात को इतना बोझ क्यों होता? लाला कैसी बातें करते हो, लाले पड़े हैं पेट भरने को, अनाज तुम्हें दे देती तो बच्चों को क्या खिलाती? देखो चल लेन देन ठहरा अपना काम, अब अगर भूला घास से आसनाई करे आए क्या? और चाची अगर तुम देने वाली होती तो 1000 रुपए से दे सकती, कुछ नहीं था तो अपनी बहू को ही मेरे यहाँ झाड़ू बर्तन करने को
क्या कहा लाला, होश पे हो? चाची तुम बस चुप रहो। तुम्हारे ना जोरू ना जाता, माँ ना बहन, नाटे निगोड़े आदमी, मेरी बहू तुम्हारे घर झाड़ू बसर करने जाए, किसी कोरी तुम्हारी से बातें करनी हो? लाला, आज जब हम गरीब हो गए तो क्या हमारी इज्जत आबरू भी जाती रही? गांव वाले, पास पड़ोसी, बिरादरी वाले क्या कहेंगे? नाक रहेगी या जाएगी? अच्छी बात है, जिस दिन कुर्सी आएगी उस दिन देखेंगे नाक रहती है कि जाती। सब कुछ बिक जाए मगर हम अपनी इज्जत नहीं बेच सकते। जब भूखों मरने लगोगे तब देखेंगे कि इज्जत हमारे घर बिकने आती है कि नहीं। चाचा, जो कुछ करना है कर लो, ज्यादा से ज्यादा यही ना कि बैल बढ़िया खुलवा ले जाओगे, घर खेत से पालोगे। अरे हाथ पांव चलता है तो भगवान और दे देगा। भैया बंसी, हम तो फर पाए, ब्याह किया था इसलिए कि घर बसेगा, नाम चलेगा। अरे तो क्या बुरा किया ब्याह किया तो? भगवान ने तुझे ऐसी सुंदर गृहस्थ स्त्री दी है कि आसपास के 10-20 गांव में मशाल लेकर ढूंढे तो न मिलेगी। और भगवान की कृपा से दो बच्चे हैं और तीसरे की उम्मीद है। अरे हमको कहो ना, आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखते हैं, कुछ नजर नहीं आता, घर सुनता है मालूम होता है। सच कहते हो बंसी, मगर बाल बच्चे तभी अच्छे मालूम होते हैं जब खाने को रोटी, धन को कपड़ा, गरीबी है कि आंखें फाड़ फाड़ हर रोज बढ़ती चली आ रही है, और बच्चे हैं कि आमों की फसल की तरह एक एक चले आ रहे हैं। मेरा पास चले तो एक एक का गला खोल दो। तो आया। माँ जी तुम भी खा लो। आ, दादी। अच्छा ला ला। बहू, अरे बहू, थोड़ा सा पानी तो पिला दो, आज बड़ी खांसी आ रही है। आएगी क्यों नहीं, वो कितने दिन जी होंगी। अरे भगवान,
जमीन छूट जाती मेरी जिंदगी में।
आज काम में जी नहीं लगा, भाग आया खेत से। बड़ा सुंदर बालक है, ये तो नलुआ चंदू से भी अच्छा है, आंखें बिल्कुल तेरी ऐसी। बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। तेरा जी कैसा है? अच्छा हूँ माँ, इतना झीकने पर भी बेशर्म जिंदगी साथ नहीं छोड़ती। मैं तो अब परेशान हो गया। काहे से परेशान हो गया? बड़े परेशान होने वाला, घर में आज बालक हुआ है, खबरदार जो ऐसी बुरी बुरी बातें मुंह से निकाली। क्या बालक हुआ है माँ? अपना पेट भरने का तो सहारा नहीं, इस बालक सेना को कहाँ से खिलाऊंगा? फिर वही बातें, बालक कुल के दीपक और भगवान के दिए हुए रतन होते हैं, इनकी से तो हमारा नाम चलेगा। नाम तो तब चलेगा जब इनको पाल पोस कर बड़ा कर सकेंगे। क्यों नहीं बेटा, लड़के तो अपनी किस्मत की रोजी साथ ही लेकर आते हैं। देखना ये बालक ऐसा भगवान होगा कि हमारे दरिद्र सारे धुल जाएंगे। हाँ माँ, चंदू की तस्वीर अपनी यही कहती थी, लेकिन अब तक वही फाका मस्ती चली आ रही है। इस तरह अपने मन को कहाँ तक धोखा देते रहेंगे माँ? क्या है? क्या उसमें लाल लगे या मैं तमाशा? बाबा बाबा बाबा, रोएगा तो टांगे नोच के फेंक दूंगा। इन कमबख्तों का भगवान के यहाँ भी ठिकाना नहीं। बाबा निकलने चलो, क्या कैसे करते हो? बाबा गुस्सा करता। जाओ तुम दादी के पास खेलो। सवेरे से तुमने कुछ नहीं खाया, तो खा लो। तुम्हें हो क्या गया है? जाओ, तुम सब मेरी जान के अजाब, या मैं मरता हूँ ना तुमको मौत आती। तुम अपने को क्यों कोसते हो? मैं ही मरती हूँ तो सब पाप कट गए। खबर भी है, आज होली है। होली होली
भी जवानों की हमारी क्या। तो तुम कौन सी बुढ़िया हो गई हो? बुढ़िया से भी बदतर। होली दिवाली जो कुछ करना थी नैयर में कर। और अब क्या हुआ? अब न पैसा न कौड़ी न दिन में उमंग। जब खाने को होता है तो सब कुछ अच्छा लगता, फिर उनकी ये हालत देखकर और भी दुख होता। जब वो दुखी है तो मैं कैसे खुश हूँ? के बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाबा जब तक औरत जवान है बच्चे नहीं मरे। भगवान के आश्रय पर शादी कर ली, बड़े मरद अब कमाते प्राण निकलते। बाबा का बच्चा ऐसा क्या करते हो? भूखा है। भूखा तो मैं क्या करूं, मर जाए। तुम्हें ऐसा न कहना चाहिए, भगवान को बुरा मालूम होगा। बुरा मालूम होगा तो उसी से कहो। तुम इतनी निराश क्यों होते हो? इतने दिन से हाथ लगाई तो क्या मिल गया, मर जाने दो भूखे। कैसे मर जाने दो? भगवान के दिए हुए दिए है तो वही पेट भरे, मुझसे क्यों मांगते हैं?
दीपताओं से हार कर पाप की बातें करने लगे। चोपड़ा, बड़ी पाप वाली आई। तुम तो जानते ही हो लाला, इस साल फसल तो बिल्कुल पकी ही नहीं। ये असल फसल मैं एक नहीं जानता। सीधे से जमीन मेरे नाम लिख दो, मैं दावा कर दूंगा तो मैं हर्जे खर्चे के देना पड़ेगा। जमीन के साथ घर वास्तव नीलाम पे चढ़ा दूंगा। लाऊंगा लाला, कुछ मेरे बच्चों का भी तो ख्याल करो। बहुत ख्याल किया बच्चों का। क्या किया? दूर होने को आई, न खुद सोती हूँ न मुझे सोने देती हूँ। कमला क्या तुलसी की माँ? अरे अभी से नाम तो रख लिया, तो क्या नाम की होगी? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मन कहता है और गंगा माई खुद देवी है, वो लड़का काहे को देने लगी, लड़की ही देगी। अरे लड़की ही सही, कुछ दे भी। मेरे और राधा के यहाँ थोड़े ही दिन काल बल रहे ना। तो क्या होने वाला है? आजकल शालू बेचारा बहुत परेशान है, और मेरी राधा बेचारी भी तो बहुत दुखी है। मैंने उसे कई दिनों से नस्ते ही नहीं देखा, जब तक कुमारी थी बहुत सुखी थी। तो इसमें दोष किसका है? किसी का नहीं, कर्मों का। संसार में यही तो होता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई दुखियारी दुख से मारे रात रात के सोती नहीं, कोई मेरे जैसी सुभारी चंद्रमा के उजाले में अपने पतिदेव के चरणों में सर रखकर पूजा किया करती है। इस जीवन का क्या ठीक है?